बिशुनपुर प्रखंड के जमटी गांव में लोहरदग्गा लोकसभा चुनाव को लेकर पहली बार गांव में बूथ बनाया गया। इससे पहले नक्सली भय के कारण कभी बूथ नहीं बना था। हालांकि ग्रामीण बताते हैं कि पंचायत चुनाव में यहां बूथ बना था, उसके बाद यह दूसरी बार लोकसभा चुनाव में बूथ बनाया गया। हालांकि इससे पहले कभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जमटी गांव में बूथ नहीं बना है। गांव में बूथ बनने से लोगों में खुशी है और इस खुशी का इजहार करने के लिए सोमवार को लोगों ने खूब वोट डाला। पहली बार यहां मतदान हो रहा है या इससे पहले भी हुआ था? जी हां, यहां अभी पंचायत चुनाव के बाद में दूसरी बार यहां पर मतदान हो रहा है लोकसभा का। यानी पहली बार लोकसभा का है, पंचायत चुनाव का एक बार हो चुका है, विधानसभा का कभी नहीं हुआ है। इस बार विधानसभा का चुनाव भी यही होगा। कैसा वोटर लोग सभी आ रहे हैं? लोग सभी आ रहे हैं और अभी थोड़ा बहुत धूप के चलते परेशानी। कोई डर भाई किसी को है क्या वोट डालने? तो कुछ नहीं, हम ऐसे तो डर, पहले थोड़ा लोग डरता था। अभी तो इधर सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। क्या नाम हो लगता है? मेरा नाम बुद्धिमान राम। का वोटिंग हो रहा है यहाँ? वोटिंग यहाँ बहुत भीड़ भाड़ का है, सारे लोग लाइन से आ रहे हैं, अपना परिचय पत्र लेकर आ रहे हैं पूरी तरह, और किसी शांतिपूर्ण मतदान है। हम लोग यहाँ दो दिन पहले बनाला क्लस्टर में ठहरे थे, वहाँ से करीब 8 किलोमीटर पैदल चल के जमटी गांव पहुँचे हैं जहाँ वोटिंग करा रहे हैं, और सरकार की अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ लाइन में चल रहा है। कोई डर भाई नहीं? कोई डर भाई नहीं, कुछ नहीं है, मैंने आराम से शांतिपूर्ण सब हो रहा है। अब वोटर लोग भी शांतिपूर्ण आके वोट डाल रहे हैं? हाँ, वोटर शांतिपूर्ण वोट डाल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश रविंद्र। मन बोरा ग्राम से आया और 10 किलोमीटर पैदल चल के मतदान करे के लिए आया। गांव में का समस्या है जेकर अभी तक समाधान नहीं हो है? अभी तक तो बाथरूम नहीं बन है, शौचालय केकरो घर में नहीं बहन है, पक्का घर केकरो घर बहन है नहीं बहन है, पानी का समस्या है, पानी का समस्या है, रोड बना थे कि नहीं? अखन तो चालू हुई है रोड। अच्छा, का नाम हो लग तोर? चंदन राम। तोहरे मन लंबे समय से बहुत पिछड़ा क्षेत्र में रहला, अब का कोनो बदलाव हुआ थे? बदलाव तो हमारे नजर में थोड़ा बहुत हुई है और बहुत बाकी है, अभी नहीं हो है। नहीं, पानी बिजली सड़क कर समस्या बनल है? पानी मतलब बिजली उजली तक व्यवस्था दे दे हैं, लेकिन पानी की सुविधा भी नहीं चाहिए। का नाम होलक? जगह में नहीं है। का नाम होलक? नागेश्वर। दादा तोर घर भी हमारे एकदम भैंस को एरिया घर एकदम? पीएम आवास नहीं मिले और राशन मिलेला? नहीं मिला थे, तो सरकार देवत रहे फ्री वाला अनाज कहाँ गेलक? अब नहीं मिला थे। नहीं तो सरकार से तो के चाहिए कि आवास पक्का आवास बन जाए और राशन मिले। हाँ, नहीं है बाबा। का नाम हो लग दादा? भैया राम लोहरा। भैया बोरिंग चाहिए कहाँ पास? पुलिस पिकेट जगह? हाँ, पुलिस पानी कर बोरिंग चाहिए। हाँ। और कोनो समस्या है? गरीब का दूर करो और का कर? का गरीब कर का समस्या है? राशन पानी तो राशन पानी नहीं मिलत है सरकार में? मिलत है लेकिन कटकटी मिलत है हमके। ओ, तो मैंने इस बार तोहरे मन बदलाव चाहा था। हाँ। और बदलाव के लिए वोट देवा था का? नहीं नहीं, तो हकीकत देना। हकीकत में वोट देवा था? नहीं। चला, का नाम होलक तोर? बुद्धनुराम। क्या समस्या है? इधर पढ़ाई उढ़ाई का अच्छा सुविधा नहीं है, एक अच्छा स्कूल होना चाहिए इंटर तक के लिए कम से कम, अच्छा अस्पताल होना चाहिए एक इधर। अच्छा, मैट्रिक तक पढ़ाई हो रहा है? हाँ, मैट्रिक। इंटर की पढ़ाई नहीं है? हाँ, हाँ। अस्पताल है? अस्पताल नहीं है, इधर अस्पताल का सुविधा होना चाहिए। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार साहू। फन जी, आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हुआ और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी सर, पहले तो मैं आपका चैनल को बधाई कहता हूं और धन्यवाद देता हूं, इस सुदूर क्षेत्र में आप आके इस तरह का सुनहरा मौका हमको दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या कमी है आप रखिए। सर, सर्वप्रथम तो मैं रखूंगा, शिक्षा का बेहद कमी है सर, शिक्षा का कोई गारंटी नहीं है, और आज 76 साल हो गया सर आजाद हुए, लेकिन इस सुदूर क्षेत्र में ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा का कोई व्यवस्था है सर। यहाँ के लोग, हजारों लोग पलायन के लिए बाहर जाते हैं सर। इसके पीछे कौन दोषी है? क्या सांसद विधायक इस क्षेत्र में नहीं आते हैं? एकदम एकदम सर, इस क्षेत्र में अगर दोषी कहिएगा तो मौजूदा सरकार है सर और मौजूदा सांसद है सर,
ये लोग क्षेत्र का भी भ्रमण नहीं करते हैं, सिर्फ 5 साल में वोट लेने आते हैं। सर, सांसद विधायक क्या इस क्षेत्र में कभी आए हैं? नहीं सर, मेरे नजर में तो कभी नहीं आए हैं। तो माने इन समस्याओं के दोषी हैं जो सांसद विधायक, वर्तमान सांसद विधायक हैं, जो इस क्षेत्र का कभी आए नहीं, वोट सिर्फ लेने आते हैं। जी सर, जी सर, सिर्फ वोट लेने आते हैं। तो आप इसी के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं ताकि इन समस्याओं का समाधान कर सके? जी सर, जी सर। यहाँ का जो बुनियादी सुविधा है सर, हमारा भाई लोग को रोजगार नहीं है, ये लोग पलायन करता है सर। पहले तो मैं इस पर काम करूंगा, और इनके खेतों में सर पानी नहीं है, उसको मैं प्रबंध करूंगा। इनके बच्चों को स्कूल नहीं है सर, एक गुणवत्ता स्कूल का मैं बात करूंगा। और तब जो कृषि नीति है सर, उस पर भी मैं अपना फोकस दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्टेफन किंडो, बनारी बिशनपुर, झारखंड संघर्ष आंदोलनकारी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।